आप सुबह का नाश्ते में अंडा खा रहे हो ना, तो अंडे के साथ ऑरेंज और टमाटर ऐड कर लोगे ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ स्टाइल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक नहीं दो नहीं पूरे छह ऐसे फ्रूट्स जो कि आपका वेट कम करने में आपको मदद करते हैं। अब फ्रूट्स का होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, अगर आप नाश्ते में फ्रूट्स खाने तो कौन से फ्रूट खाने हैं, स्पेशली दोपहर के खाने और शाम, यू नो, नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में या दोपहर के और रात के खाने के बीच में अगर आपने स्नैक्स लेने हैं तो उसमें कौन से फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो जो कि आपका वजन कम करें, जो कि आपको मोटा ना करें और आपकी भूख भी मिट जाए, ठीक है। और एक ऐसा फ्रूट भी है जो कि खाने से पहले अगर आप खा लो तो खाने ही आप कम खाते हो, ठीक है जी। तो मैं सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, एक्चुअली एक चीज़ पे बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट है, वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम छह ऐसे फ्रूट्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, फ्रूट्स में अल्लाह ताला ने बहुत सारे मिनरल्स, मादिनियात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं, विटामिंस रखे हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे कि आपका वजन तो कम होता ही है, साथ साथ आपको वो तमाम विटामिंस, वो तमाम मिनरल्स मिलते हैं जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर विटामिन डी है, आप विटामिन डी क्या करते हैं, विटामिन डी अगर किसी चीज़ में आपको मिल रहा है, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए आपको विटामिन डी की जरूरत होती है, ठीक है। इसी तरीके से विटामिन सी है, अक्सर लोगों ने सुना होगा ऑरेंजेस में बहुत विटामिन सी होता है, ऑरेंजेस से ज़्यादा अमरूद में होता है। विटामिन सी आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आजकल तो इम्यूनिटी वर्ड सबको पता ही चल गया जब से ये कोविड आया, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो फ्रूट शेयर करने वाला हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ माचा टी के बारे में। सबको पता है कि मेरे चैनल से यहाँ से माचा टी बिकती है, आप लोग लेते हैं, माचा टी वजन कम करने में मदद करती है। माचा टी प्लस मेरा डाइट प्लान, दोनों चीज़ों पर मैंने स्पेशल डिस्काउंट लगाया कुछ दिन के लिए। मेरा जो पर्सनल डाइट प्लान है जिसके अंदर मैं फ़ोन पे पूरे महीने व्हाट्सएप सपोर्ट भी देता हूँ, महीने में दो से चार डिफरेंट डाइट प्लान देता हूँ, कोई सवाल होता है उसका जवाब देता हूँ, एक्सरसाइज देता हूँ, एक तरह की ऑनलाइन मुकम्मल गाइडेंस है, ठीक है। ये गाइडेंस आपको मिलती है 7,000 रुपये में, एक चार्जेस है ऑब्वियसली, पूरा टाइम देना पड़ता है उसमें, लेकिन 1500 रुपये की जो है माचा टी है तो ये 8,500 रुपये बनते हैं। 8,500 रुपये कम करके मैंने कर दिया सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये, 2500 रुपये में विद डिलीवरी आपको डाइट प्लान भी मिलेगा, प्रिंटेड डाइट प्लान आपके घर पे आएगा, साथ में माचा टी आएगी, ठीक है। आप खासा वजन कम कर सकते हैं, इस ऑफर से फायदा उठाना है तो जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं उन पर व्हाट्सएप करें। अभी डिस्कस करते हैं फ्रूट्स को। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट जो है वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज। आपको पता है तरबूज की खासियत यह है कि तरबूज में 90% पानी होता है। जब आप तरबूज खाते हैं ना आपका वजन नहीं बढ़ता बल्कि वजन कम करने में मदद करता है। बस कोशिश करें कि तरबूज को भरे पेट ना खाएं, पेट भरा हुआ हो तो उसके बाद तरबूज नहीं खाना चाहिए, तरबूज को हल्का फुल्का कुछ खाना खाया, जिस तरह सबको पता है तरबूज कैसे खाया जाता है, अपनी डाइट में तरबूज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आप दोपहर के खाने से पहले, सुबह के खाने के बाद इसको खा सकते हैं, आप शाम के वक्त इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। नंबर टू फ्रूट है अमरूद। अभी मैंने अमरूद का स्टार्ट में जिक्र किया था, आपको पता है अमरूद में विटामिन सी ऑरेंजेस से ज़्यादा मिलता है। अच्छा, अमरूद के बहुत सारे फायदे हैं, अगर मैं आपको अमरूद के फायदे बताऊँ ना, देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक तो न्यूट्रिशन से पैक्ड होता है अमरूद, ठीक है। अमरूद के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, शुगर कम मिलती है ऑरेंजेस और एप्पल के मुकाबले में, ठीक है। आपका वजन जल्दी कम होता है, अमरूद एक बेहतरीन स्नैक है। साथ में अमरूद में आपको वो सारे मिनरल्स मिलते हैं जो कि आपका आपकी बॉडी के लिए बड़े फायदेमंद है, लो कैलोरी है, अगर आप खाएंगे एक हेल्दी स्नैक है तो जरूर अमरूद को अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर थ्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 एप्पल। आप वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी कि जब आप एक एप्पल खाते हो तो डॉक्टर आपसे दूर रहता है। तो इस बात को समझेंगे, बहुत बड़ी मिसाल है कि सेब की इतनी अफादियात है कि सेब जो है बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। वजन कम करने में बड़ा सुपर फ्रूट है ये। आप नाश्ते में अगर सेब इस्तेमाल करें ना, डेली नाश्ते में अगर एक सेब खा लो, आप देखो आपका वजन कितनी जल्दी गिरता है। खाना पूरा छिलके के साथ खाना, ठीक है, 3 से 4 ग्राम फाइबर मिलता है आपको सिर्फ एक सेब में। तो एक सेब अपनी डाइट में जरूर शामिल करो, लेकिन डायबिटिक्स जो है वो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। अगले पे चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 जो है वो है ग्रेप फ्रूट। अच्छा, ग्रेप फ्रूट का सबने नाम सुना होगा, अक्सर लोगों ने सुना होगा ग्रेप फ्रूट से वजन कम होता है, ग्रेप फ्रूट के जूस से वजन कम होता है। जरा जूस नहीं पीना, ग्रेप फ्रूट खाना, और जब भी खाएं कोशिश करें आधा खाएं, आप पूरा ना खाएं आधा खाएं, ठीक है। ग्रेप फ्रूट बेसिकली एक ऐसा फ्रूट है जो कि आपकी सैटिएटी, आप जो कि आपका जो वो फीलिंग ऑफ फुलनेस है उसको बढ़ा देता है। अगर आप खाने से पहले आधा ग्रेप फ्रूट खा लो ना, आधे घंटे पहले, आप खाना बहुत कम खाओगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप खाना कम खाओगे, आपका जल्दी वजन कम होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ है, अगर वो डायबिटीज़ की गोलियाँ खा रहे हैं तो वो ग्रेप फ्रूट अपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं खाएंगे, क्योंकि ये शुगर को ड्रास्टिकली लो कर सकता है और आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 बड़ा ज़बरदस्त है। अक्सर लोगों में मिसकंसेप्शन है कि केला वज़न बढ़ाता है, लेकिन केला वज़न नहीं बढ़ाता जब तक केले में खजूर मिला के
दूध मिला के एक ज़बरदस्त सा शेक बना के पियोगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। एक केला आपका वज़न कम करने में बड़ी मदद कर सकता है। नाश्ते में अगर आप केला खाओ, आपको पता है केले में जो है ना आपको पोटेशियम मिलता है, जो कि आपका वाटर वेट होता है ना, वाटर रिटेंशन बॉडी ने की होती है ज़्यादा नमक खाने से, उस वाटर को भी ख़त्म करता है आपके कितने। और ये बेस्ट फ्रूट है प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट के लिए, यानी कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं मसल बिल्डअप करना चाहते हैं उनके लिए ये ना क्या कहते हैं वर्कआउट के बाद खाइए, वरना एक्सरसाइज से अगर आप पहले खाएंगे तो आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आप एक्सरसाइज अच्छी कर सकें, ठीक है, और वो एनर्जी जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, आपका वजन भी नहीं बढ़ाएगी। तो केले को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, वर्कआउट से पहले भी खा सकते हैं। नंबर सिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट वो है टमाटर, टमाटो। अच्छा टमाटो का क्या है, टमाटो आपको पता है सबसे पहली बात तो टमाटो वेजिटेबल नहीं है, इट्स अ फ्रूट। अक्सर लोग इसको सब्जी समझते हैं, ये फल है और ये एक ऐसा फल है, हम लोग तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हम लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज आपको पता है छिलके समेत ये छिलका उतार के हल्का सा सौते करते हैं, इसको सेकते हैं और अपने नाश्ते में लाजमी शामिल करते हैं। पता है एक टमाटर में सिर्फ 30-33 कैलोरीज होती हैं, आपको एकदम फुल लगने लगता है, आपका वजन बहुत जल्दी गिराता है। मिसाल के तौर पर आप सुबह अगर नाश्ते में अंडा खा रहे हो ना, तो अंडे के साथ ऑरेंज और टमाटर ऐड कर लोगे ना। अच्छा टमाटर जो है वो एक हाई वॉल्यूम फूड है, ये आपके मैदे में जाके जगह काफ़ी ले लेता है, आपको आने वाले खाने में भूख कम लगती है, ठीक है। आप टमाटर को नाश्ते में ज़रूर शामिल करें और तकरीबन डेली करें, ऑल्टरनेट डेज पे करें, आपका वजन जल्दी कम होगा, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मैंने जैसे कि बताया कि माचा टी प्लस मेरा डाइट प्लान बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट पर ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिखा है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।